चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी आज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जानकारी सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे पंचायत भवन में वो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 12:30 बजे के आसपास विश्वेश्वरैया सभागार में ये सम्मेलन होगा। शाम 4 बजे लोक भवन में नियुक्त पत्र वितरण किए जाएंगे। तो आपको बता चले उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सूबे के मुखिया आज सम्मेलन में भाग लेंगे। 12:30 बजे विश्वेश्वरैया सभागार में ये आयोजन जो है किया जा रहा है। समारोह का भव्य स्वागत वहां पर सूबे के मुखिया का किया जाएगा। किसान नेता योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लखीमपुर खीरी में मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। इसके लिए उन्होंने एसकेएम से इजाजत नहीं ली थी। इसे देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यह फैसला गुरुवार को आयोजित एसकेएम की बैठक में लिया गया। इसमें यादव भी मौजूद थे। आपको बताते चले योगेंद्र यादव के शुभम मिश्रा के घर जाने के तुरंत बाद से पंजाब में किसान यूनियन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। यह फैसला गुरुवार को आयोजित एसकेएम बैठक में लिया गया। इसमें यादव भी मौजूद थे। योगेंद्र यादव के आपको बता चले योगेंद्र यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यूनियन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताते चले 3 अक्टूबर को जिले के तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो नोएडा में ईद मिलाद उन नबी के दौरान निकाले गए जुलूस में देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही। बताते चले पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। इसी वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। नोएडा के DSP राजेश एस ने बताया है कि सेक्टर 20 थाने में एक जुलूस का आयोजन किया गया था। इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जब इस वीडियो की जांच कराई गई और विशेषज्ञों से सलाह ली गई तो सामने आया कि जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उन्होंने बताया अगर कोई पूरा वीडियो देखे तो पता चलता है कि इसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं लेकिन इन्हीं नारों के बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। चलिए इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आर न्यूज़।